SBS News, सच का साथी। मोटर मैकेनिक एसोसिएशन द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें महापौर संयुक्त भाटिया जी रही उपस्थित। लखनऊ में ट्रांसपोर नगर पार्किंग नंबर 8 में पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग पर ट्रांसपोर्ट की समस्या हेतु महापौर श्रीमती संयुक्त भाटिया जी के साथ में कई संगठन की बैठक हुई, जिसमें पर्यावरण ट्रांसपोर्ट नगर में कार्य करने वाले लोगों समस्या चर्चा हुई, जिसमें वरिष्ठ अतिथि श्री राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष, ट्रक ट्रांसपोर्ट फेयरवेल एसोसिएशन जसविंदर सिंह कोहली अध्यक्ष, मोटर मैकेनिक एसोसिएशन श्री राजा भैया ट्रांसपोर्ट नगर मोटर पार्क्स रविदास रवि रविंदर सिंह बीपी सिंह महेंद्र सिंह आदि लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ग्लोबल मैं यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ, मेरे शर्मा जी और मेरे भैया हैं छोटे पास से, ये मैं यहाँ पे जब आता था तो यहाँ बहुत अजीब था। ट्रांसपोर्ट लाइन का मैं भी हूँ, मैं ड्राइवरों के साथ अभी ग्लोबल वार्मिंग में सबके आगे बहुत सी समस्याएं हैं। मैं इसे जन सहयोग चाहता हूँ, सभी अपने ट्रांसपोर्ट जगत के चाहे लेबर हों, गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर, मोटर जो भी जुड़े हैं, इनसे सबसे मैं सिर्फ जन सहयोग और भारत सरकार की हमारा जो है कार्बन कटौती पे बहुत बड़ा हमारा पैसा बाहर देशों को जाता है, जो 1,000 करोड़ रुपए है, और हम दूसरे देशों को देते हैं कि वृक्ष लगाइए, अपने देश में जगह खाली है, अपना वृक्ष लगाते हैं। तो हमारा एक इसी पर एक मैंने टेक्नोलॉजी भी बना रखी है, लेकिन अपने देश में ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई सही सजेशन देने वाला है, और कई तरह की भ्रांति होती। इस कारण से मैंने जो उनकी फाइल्स निकलवा के मैं देखूंगी, अगर ये नगर निगम को मिलवा तो नगर निगम इसमें सभासद के द्वारा जो भी काम होंगे वो भी कराए जाएंगे। बाकी आपके सभासद हैं जोन 8 की, कई समस्याएं ऐसी हैं जिसमें रेलवे ट्रैक के बारे में मवेशी पाले गए हैं, ये समस्याएं काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी ट्रांसपोर्ट के भी लोग उठाते रहते हैं, कई आवाज़ उठाते थे, तो कुछ समय काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है। इस समय खाना उपन में आप देखें वहाँ पर क्योंकि गाय बंद है, और जब गाय भैंस पकड़ कर ले जाते हैं तो रेलवे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, और इसके लिए एक पूरी फोर्स चाहिए। वो फोर्स लेकर जब उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक साथ जुट होकर उसको कई बार छुड़ा भी ले जाते हैं और मार पिटाई भी करते हैं, और इस बार उन्होंने पूरी फोर्स लगाई है उसको पकड़ने के लिए। और जो कान्हा उपवन इसीलिए बना था कि जो गाय भैंस हमारे यहाँ लोग लेने नहीं आते उसको वहाँ पर रखा जाए, उसकी सेवा की जाए, बीमार गाय की सेवा की जाए, ताकि हम गाँव को जो है उनका संरक्षण भी हो और साथ ही हमारी पर्यावरण भी का भी नुकसान हो सकते हो। उस नाते से जितनी भी गाय पकड़ी जाती है उस पर जुर्माना लेकर दूसरे दिन जिसकी गाय पकड़ी जाती है वो लेने आता है, लेकिन यहाँ पर जो गाय दूध देती है उसको तो लोग लेने आते हैं, जो गाय दूध नहीं देती है या बछड़ा है या फिर बैल है वो लेने कोई नहीं आता। इस तरह 3,000 की कैपेसिटी में इस समय 7,000 बंद हो जाता है, और अभी 3,000 की कैपेसिटी का एक और हाल उसी में इनको इन जो हम पकड़ के ले जाते हैं उसके लिए उनको भोजन की भी व्यवस्था करनी होती है, और वो बीमार होते हैं तो उसकी भी व्यवस्था करनी होती है। अभी एक गाय का ऑपरेशन किया गया जिसके पेट से 1 किलो पॉलिथीन निकली है, और उसके 1 किलो का मतलब हल्का इतना होता है, 1 किलो का मतलब उसने कई पन्नियाँ खाई हैं, बहुत सारी पन्नियाँ, जिसमें लोग खाना अगर नहीं भी डालकर देते हैं तो उसमें जो कुछ लगा होता है वो भी वो पूरा खा जाती है। तो ये सारी समस्याओं के साथ साथ हमें हम जो पकड़ के ले जाएंगे वो हम रखेंगे कहाँ, ये भी एक समस्या है।